Vishnukant Singh. Welcome to All In Admission Media. Today in this session, we're going to discuss about the All India Round 2 Counseling as well as आपके State Counseling के update के भी बारे में बात करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें. साथ में अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए देख रहे हो तो आप हमारे शॉर्ट्स के लिए बुकिंग कर सकते हो. डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी. और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडमिशन मीडिया जरूर ज्वाइन कर रखें. साथ में अगर आप यूजी के लिए अगर आपके रिलेटिव में आपके कोई बच्चे देख रहे हैं तो आप उनका हमारा दूसरा चैनल एडमिशन मीडिया यूजी जरूर सजेस्ट करके रखें. बात करो कि ऑल इंडिया राउंड टू की रजिस्ट्रेशन किन्हें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और बाकी तमाम चीजों की डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑल इंडिया राउंड टू की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपकी आज से स्टार्ट कर दी गई है. डेट आज से ही था, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं. रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अगेन mcc.nic.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन के लिए डेमो वीडियो हमने अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया पे मिल जाएगा. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख के वहां से आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. अब अगर मैं बात करूं कि रजिस्ट्रेशन किन्हें करना है, देखिए अगर आपने राउंड वन में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, आपको कोई सीट मिली नहीं मिली, अगर आपने मिलकर अपग्रेड के लिए भी गए हो, इन दोज केसेस आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, अगर अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीसी के अंदर केवल गवर्नमेंट कोटा के लिए दैट इज 50% ऑल इंडिया कोटा के लिए आपने अप्लाई किया था, लेकिन अभी आपको डीम्ड के लिए अप्लाई करना है, इन दैट केस आप रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करके अगेन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिर्फ इन्हीं दो लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है. बाकी जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अनलॉक करने की जरूरत नहीं है. आप एज इट इज चॉइस फिलिंग को फ्रेशली. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमने जो राउंड वन में चॉइस फिलिंग की थी क्या उसको एडिट कर सकते हैं या नहीं. जी हाँ, बिल्कुल राउंड टू में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो. इवन अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अपनी सीट डाली हुई है, इन दैट केस आप अपनी चॉइसेस को एडिट करके वहां पे नए चॉइसेस इनपुट भी कर सकते हो, कुछ को डिलीट भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक नोटिफिकेशन था, मतलब डेट शेड्यूल की मैं बात करूं, कल यानी 11th ऑफ अक्टूबर से 14th ऑफ अक्टूबर तक आपकी चॉइस फिलिंग एज वेल एज लॉकिंग की जाएगी. और अगर मैं बात करूं रिजल्ट आपका कब आएगा तो 17-18 तक आपका प्रोसेस किया जाएगा. 19th ऑफ अक्टूबर को रिजल्ट आपकी पब्लिश कर दी जाएगी ऑल इंडिया के अंदर. लेकिन ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन है कि स्टेट्स ऑल इंडिया राउंड टू की रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग में हो सकता है थोड़ा डिले किया जाए. रीजन यह है कि आपके जितने भी आप स्टेट्स देखोगे ऑलमोस्ट 9 ऐसे स्टेट्स हैं जहां की चॉइस फिलिंग की जा चुकी है. राउंड वन के रिजल्ट को या तो कैंसिल किया गया है या प्रोविजनल रिजल्ट को कैंसिल किया गया है, नए शेड्यूल पब्लिश किए गए हैं. उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है. इस केस के अंदर अगर राउंड टू होता है तो अगेन यहाँ पे कोर्ट केस और बाकी चीजों के होने ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेंगी. रीजन कि आपके राउंड वन में सारे बच्चों को अपग्रेडेशन का मौका मिलता है, ऐसा एनसीसी भी कहती है. लेकिन अगर राउंड वन सारे स्टेट्स के कंप्लीट नहीं होते हैं, ज्वाइनिंग और रिजाइनिंग कंप्लीट नहीं होती है, इस केस में क्या होगा कि आपके पास फेयर इनफ चांसेस नहीं मिलेंगे कि आप ऑल इंडिया टू की चीजें कैसे की जाए. हो सकता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि आपके जो डेट्स दिए गए हैं शेड्यूल के अंदर जितने गैप दिन का गैप है, हो सकता है कि आपके इस डेट को थोड़ा प्रोसीड कर दिया जाए. जो चॉइस फिलिंग 14 तक है इसको 17 और 18 तक कर दिया जाए. लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा अभी कोई आइडिया नहीं है. अगर आपने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तभी आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. फिलहाल तो इस वीडियो में इतना, लेकिन राउंड टू के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कौन सी ब्रांच कितने मार्क्स पे या कितने रैंक पे मिल सकती है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें. साथ में अगर आपको चॉइस फिलिंग असिस्टेंस चाहिए या अगर आप मेनली मैनेजमेंट और एनआरआई सीट्स के लिए देख रहे हो तो उसके लिए आप हमारी नीचे दिए कॉल नंबर पे, नीचे हुए नंबर पे आप कॉल करके चीजें डिस्कस कर सकते हो. साथ में एक चीज और बता दूं, एमसीसी ने आपने राउंड टू के लिए भी आपके एनआरआई कन्वर्जन के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश किया. मतलब अगर आपको एनआरआई कन्वर्जन कराना है तो मेल आईडी ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर दी गई है, आपके पास शेड्यूल टाइमिंग है आपकी, आपको 22 के पहले आपकी जो भी आपकी जो भी शेड्यूल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपको mcc.nic पे कोड कॉपी के साथ आपको डिटेल्स मिल जाएगा. वहां से आप जो उनकी मेल आईडी मेंशन है nri.adgme@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो. मेल करने की लास्ट टाइमिंग है कल 5 बजे तक, आप मेल करके रखो. ऑलरेडी आपकी मेलिंग की टाइम स्टार्ट हो गई है. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी है और अभी आप कन्वर्जन करना चाहते हो तो ये आपके पास अच्छा टाइम है.
आप करके देख सकते हो कहां पे आपको सीटें मिल सकती हैं। इन चीजों के डिटेल के लिए नीचे दिए नंबर पे डू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।